नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहाँ आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी पांच बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,31,968 नए कोरोना केस, 685 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। नए मामलों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में ही आ रहे हैं। चौथी बार देश में 1,00,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,31,968 नए कोरोना केस आए और 780 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 61,899 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4, 6 और 7 अप्रैल को 1,00,000 से ज्यादा केस आए थे। चलिए जानते हैं आज देश में कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केस 1,30,60,542, कुल डिस्चार्ज 1,19,13,292, कुल एक्टिव केसेस 9,79,608, कुल मौतें 1,67,642। लॉकडाउन का डर, दिल्ली पुणे के बाद मुंबई से शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकारें हरकत में आई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई है। देश में करीब एक दर्जन राज्यों ने अपने यहां नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी है। ऐसे में अब लॉकडाउन का खतरा बढ़ता देख प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। बीते दिन दिल्ली पुणे से तस्वीरें सामने आई और अब मुंबई का भी यही हाल है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत के मजदूरों की भारी भीड़ है। हर कोई अपने घर को लौटना चाहता है, क्योंकि डर है कि कहीं अचानक लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल जैसे हालत बन जाएंगे। यहां रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ बढ़ते देख रेलवे प्रशासन भी एक्टिव हो गए हैं। हर किसी को जानकारी दी जा रही है, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, ताकि किसी तरह का कोई भ्रम ना फैले और मजदूरों में भय पैदा ना हो। क्या कोरोना रात में ही आता है? पढ़ लीजिए नाइट कर्फ्यू पर पीएम मोदी का जवाब। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से केंद्र और राज्यों की सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत देश में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर समाज में एक तब्बे का कहना है कि क्या कोरोना रात में ही निकलता है? यही वजह है कि पीएम मोदी को देशवासियों के आगे नाइट कर्फ्यू की जरूरत के बारे में बताना पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ बुद्धिजीवी डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात में ही आता है। हकीकत में दुनिया ने रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय में ख्याल आता है कि मैं कोरोना काल में जी रहा हूँ और बाकी जीवन व्यवस्थाओं पर कम से कम प्रभाव होता है। अच्छा होगा हम कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्था प्रभावित ना हो और नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू के नाम से प्रचलित करें। ये शब्द लोगों को एजुकेट करने के काम आ रहा है। कोरोना वैक्सीन कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दूर किया कंफ्यूजन, बताया अभी कितनी डोज बची है। दोस्तों, देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए टीका अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। कई राज्यों से वैक्सीन की किल्लत की खबरें आ रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन कमी को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहा, आपूर्ति पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को अपने एक ट्वीट में कहा, चलिए अब डर खत्म करते हैं। कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 4.3 करोड़ का स्टॉक अभी है। कमी का सवाल ही कहां उठता है। हम निरंतर निगरानी रख रहे हैं और आपूर्ति बढ़ा रहे हैं। अपने ट्वीट के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने एक ग्राफ भी शेयर किया है। 4.3 करोड़ डोज में से 2.4 करोड़ डोज राज्यों के पास स्टॉक में है और 1.9 करोड़ डोज उन्हें भेजी जाने वाली है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को कैसे रोका जाए, एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा भयानक है। इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या वैक्सीन लगाने के बाद हम संक्रमण से बच सकते हैं, इस पर एबीपी न्यूज ने एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से खास बातचीत की।
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना केस दोबारा बढ़ रहे हैं, उन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना केस बढ़ने के कई कारण हैं। एक अहम कारण ये भी है कि जब कोरोना केस कम थे तब वैक्सीन लगवाना शुरू हो चुका था, तो बहुत लोगों ने ये सोचा कि कोविड अब खत्म हो चुका है, मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पार्टियां करना शुरू कर दिया, लेकिन वायरस कहीं गया नहीं था, वायरस यहीं था, इसी बीच था। कई नए वेरिएंट्स भी इसी बीच शामिल हो गए, इसी वजह से एकदम से केस बढ़ने लगे। मेरा मानना है कि हमारी वजह से ढील से ये हुआ है। तो ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट पर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही कोरोना वैक्सीन और कोरोना से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।